उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, आप उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालकों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसी की आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्धी काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता जाता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। पराए धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है,
उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई, जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीढ़ी को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठ पूरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु शील समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यास भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करेंगे। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय, इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंदन की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के, अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन
वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा धाड़स आ गया।